स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे कि जो CBSE के 10वीं और के जो एग्ज़ाम डेट के बारे में, कि कब तक होगा एग्ज़ाम डेट, कब तक एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आएगा, कब तक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे और उसके बाद कब तक रिजल्ट आएंगे, कैसे कैसे प्रोसेस हैं, उस सब के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये कोरोना वायरस के 2020 के बाद अब 2021 आ गया है, तो इसमें कब एग्ज़ाम होगा उसके बारे में। कुछ लोग कह रहे हैं कि डेट शीट अगले हफ्ते आ जाएंगे, कुछ लोग अपने अपने वीडियो में अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पूरे मतलब कि जो परफेक्ट न्यूज़ है जो गूगल की तरफ से हम आपको दिखाएंगे, कि जो गूगल पे दिया हुआ है उसके ज़रिए से आपको हम बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है 1 मार्च से स्टार्ट होगा। ठीक है, 2021 एक मार्च से स्टार्ट होगा 2021। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो कब आएगा, अप्रैल में आएगा। ठीक है, ये एकदम कंफर्म न्यूज है। उसके बाद एग्ज़ाम शुरू कब होगा, 10वीं का एग्ज़ाम कब शुरू होगा, तो है 4 मई से 10 जून तक होगा। ठीक है, 4 मई से 10 जून तक होगा। ठीक है, यहाँ आपको पूरा दिख रहा होगा यहाँ पे साफ। फिर उसके बाद क्या है, रिजल्ट कब तक आएगा, तो ये है 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा CBSE बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, उसके बाद डेट शीट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा कंफर्मेशन लेते हैं कि डेट शीट क्या है। ठीक है, तो ये दिया है कि डेट शीट जो एग्ज़ाम डेट है वो 4 मई से 10 जून तक है। ठीक है, और सिलेबस क्वेश्चन पेपर जो है आपके सामने जो भी है मैं आपके सामने यहाँ रख दूंगा कि यहाँ अपडेट क्या है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या है कि इसमें यह दिया है कि जो CBSE जो बोर्ड है, वो जो CBSE बोर्ड है यहाँ पे जो दिख रहा है वो हर साल जो है इस एग्ज़ाम को कराती है। ठीक है, और इस एग्ज़ाम को जो है 4 मई से 10 जून के बीच में ही कराया जाएगा। फिर ये जो डेली एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, और जो ये सिचुएशन हुआ पेंडेमिक जो 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 सिचुएशन था अभी जो गया है, उसके बाद जो है मतलब कि स्टार्ट किया जाएगा जो एग्ज़ाम होगा वो 10 मई से 4 मई से 10 जून के बीच में होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है वो 15 से 20 दिन पहले जो है 15 से 20 दिन पहले एग्ज़ाम से 15 से 20 दिन पहले वो जो है आपका एडमिट कार्ड साइट पे आ जाएगा, इशू करा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो जो भी है 1 मार्च से स्टार्ट होगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है, आप जाके दीजिए, कोई ऐसा हर्ज नहीं है। उसके बाद क्या है, टाइम टेबल भी है, प्रिपरेशन कैसे करें आपको सारी चीज़ें मतलब इसमें दिया हुआ है कि प्रिपरेशन कैसे किया जाए। ठीक है, उसके बाद इसमें वही चीज़ दिया हुआ है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे वक्त लगेगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे सिलेबस तो आपके पास होगा ही, ऐसा बात नहीं। सिलेबस पहला चीज़ क्या है, सिलेबस आप लोड कर लीजिएगा, बिना सिलेबस का नहीं होगा। और जो पिछले साल के 3-4 साल के जो बोर्ड के पेपर हैं उसे भी आप रख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के पेपर से ही जो है आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 10वीं एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और पेपर जो होता है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, कोई भी एग्ज़ाम हो, या तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जो है पेपर ज़रूरी है। पिछले साल का जो प्रीवियस पेपर होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपको ज़रूरी है पेपर रखना अपने पास। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, आप रखिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो रजिस्टर्ड हुए हैं बच्चे, रजिस्ट्रेशन किए हैं बच्चे, वो कितने हैं,18,85,885 आपको यहाँ दिख रहा होगा, 18,85,885। ठीक है, और जो अपियर्ड होंगे वो 18,73,000, यहाँ पे 18,73,015 बच्चे जो होंगे इसमें अपेयर होंगे, मतलब बैठेंगे। ठीक है, तो जो टोटल बच्चे स्टूडेंट थे यहाँ पे जो रजिस्टर हुए हैं, जो यहाँ पे रजिस्टर हुआ है, उसके बाद जो 10वीं क्लास में वो क्या है, दिस एवरी आउट इतना इतना। ठीक है, अपेयर। ठीक है, तो पास कितना होते हैं, 17,000 इतने बच्चे, जो 17,13,121 जो बच्चे हैं वो हर साल पास हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको यहाँ, और इस बार जो है पास परसेंटेज जो है 0.6% जो है बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज होता है हर साल। ठीक है, उसके बाद यहाँ कुछ है जो आप
क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सबसे पहले क्या कीजिए कि सिलेबस निकालिए। सिलेबस निकालने के बाद सारे को एक एक बार पढ़िए। सबसे पहला क्या है, प्रीवियस पेपर लेने का वक्त आ चुका है क्योंकि 3 महीने अभी बाकी है। और प्रिपरेशन का सबसे बड़ा टिप्स यही होता है कि पहले प्रीवियस पेपर है उसको देखिए, और ये देखिए कि कौन सा निबंध है, कौन सा ऐसे पूछ रहा है, ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है। तो ये सबसे पहले उसको एनालिसिस कीजिए, मतलब पेपर को। उसके बाद अपना एक टाइम टेबल बनाइए कम से कम 3 या 4 घंटे रेगुलर पढ़ने का, क्योंकि ऐसा टाइम टेबल बना लेंगे कि 10 घंटा पढ़ने का तो उससे होगा नहीं। कम से कम 3-4 घंटे पढ़ने का मतलब रेगुलर बनाइए। 2 ही घंटे पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़ेंगे तो वो काम करेगा, लेकिन एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया दूसरे दिन खाली तो उससे कुछ नहीं होगा। तो आपको यही मैं सलाह दूंगा कि सबसे पहले प्रीवियस पेपर देखिए और उसको रट डालिए, और या उसको बार बार रिपीट कीजिए कहाँ से क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें ही, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ जिससे आपको मैं प्रिपेयर करता रहूँगा, आपकी तैयारी और भी ज़्यादा अच्छी करता रहूँगा। तो आप अगर कहेंगे तो मैं CBSE बोर्ड के सारे प्रीवियस पेपर मैं आपको करा दूंगा, और मैं ये भी बता दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे किए जाते हैं बोर्ड में, ये सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको, ठीक है दोस्तों। ओके।